नमस्कार, मैं हूँ आरती परब। ये है प्रगति टाइम्स न्यूज रील। पेश है अभी तक की 5 बड़ी खबरें। हार्दिक ने कहा कि भाजपा गुजरात में सिर्फ 80 सीटें जीत पाएगी। कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार का जश्न मनाना शर्मनाक। शिवराज को नदी नायक की उपाधि। शरद पवार ने विपक्ष का राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने से किया इनकार। योगी ने कहा कि अर्धकुंभ के लिए बजट की कमी नहीं होगी। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने बुधवार को कहा कि सत्ताधारी भाजपा आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव में मात्र 80 सीटें ही जीत पाएगी। उनके संगठन पाटीदार अनामत आंदोलन समिति ने बोटाद और भावनगर में 2 बड़े कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई है। मोदी सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर जश्न मनाने की तैयारी को कांग्रेस ने बेहद शर्मनाक कहा है। पार्टी ने कहा कि सीमा पर असुरक्षा की भावना है और सैनिकों के मन में कुंठा है। यह सब कुछ केंद्र सरकार की गलत नीतियों का परिणाम है। नई दिल्ली के गांधी प्रतिष्ठान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जल जन जोड़ो अभियान, जल सुरक्षा अधिनियम निर्माण सम्मेलन में जल पुरुष राजेंद्र सिंह ने बुधवार को नदी नायक की उपाधि से विभूषित किया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने बुधवार को कहा कि पार्टी के मुखिया शरद पवार ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के विपक्षी पार्टियों का संयुक्त राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने की पेशकश ठुकरा दी है। सोनिया सभी विपक्षी दलों को एकजुट कर सर्वसम्मति से विपक्ष का एक राष्ट्रपति उम्मीदवार खड़ा करने में लगी हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी से बुधवार को मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अर्धकुंभ की तैयारियों के लिए बजट की कमी नहीं होने दी जाएगी।